हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रंजना और आज हम असाइनमेंट 4 करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपका असाइनमेंट 4, 2, और 3 तीनों में ही 100 मार्क्स होंगे. और लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 1. सोलर स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम द वायलेट टू रेड. दिस इज ट्रू. ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट. ये बात सही है कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो लेट्स मूव विद द थर्ड क्वेश्चन. एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज, जैसे जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द बॉडी इंक्रीज. यह सही है, थर्ड क्वेश्चन का जवाब सही है. एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज, जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर. ये बात गलत है. यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा टेम्परेचर और वेवलेंथ का, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स होगा. फिफ्थ पे आते हैं. ह्यूमन एंड एनिमल गिव आउट द इंफ्रारेड रेडिएशन. जो ह्यूमन और एनिमल होता है वो जो गिव आउट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सही है. फ्लैट प्लेट कलेक्टर टिपिकली डज नॉट नीड अट्रैक्ट द सन अक्रॉस द सीजन, इट इज़ फ्लैट. दिस इज फॉल्स. एंड लेट्स अस मूव विद द सेवेंथ क्वेश्चन. ग्लास प्लेट इज यूज ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट IR रेडिएशन कमिंग फ्रॉम इट. ये इसका जवाब सही है क्योंकि हमें पता है कि इसका रीजन यहाँ पे हमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में. और टॉप IR रेडिएशन को आने से रोकने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर को टॉप पर ग्लास प्लेट पे उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है. तो सही बात है, इसलिए यह 7 ट्रू होगा. इन ऑर्डर टू हीट एयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटेक्ट बिटवीन एयर एंड सर्फेस गेदर द हीट. दिस इज ट्रू. एंड लेट अस मूव ऑन द 9th क्वेश्चन. सोलर कंट्रैक्टर कैन हेल्प टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज फॉल्स बिकॉज हमें पता है कि इफ़ यू हैव यूज द सोलर वाटर हीटर you will know that you can the base can about the 70 degree celsius. हमें पता है कि जब हम लोग सोलर वाटर को हीट करने के लिए 70 डिग्री पे ही बेस पॉसिबल यूज करते हैं, पर यहाँ पे अबव द 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, दैट्स वाई यह फॉल्स होगा. और लास्ट क्वेश्चन का जो जवाब है उसका जवाब, अ पैराबोलिक डिस कॉन्ट्रैक्टर टिपिकली डज नॉट नीड आर ट्रैकलिंग बिकॉज इट अ कर्व इन ऑल डायरेक्शन. इसका रीजन ये, इसका जवाब फॉल्स होगा क्योंकि हमें पता है जो पैराबोलिक सोलर कंसेंट्रेटर होता है कंटिन्यूसली ट्रैक द सन थ्रू आउट द डे यूजिंग अ ड्यूल एसिलेटर ट्रैकर enable the system to harvest the minimum solar energy from the earliest sunrise to late. तो इसका जवाब that's why wrong होगा. और मैं comment section में भी reason डाल दूँगी और जिस चीज़ का आपको doubt लगे. तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें सारे ही जवाब सही होंगे. और होप अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फर्दर असाइनमेंट का सलूशन अगर चाहते हैं तो. और यहाँ से आप अपना सबमिट कर लीजिए असाइनमेंट. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.